बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, आज मेरे साथ है एक जोगी। तो आप लोग ने सुना तो होगा कि किस तरीके से ये सांप पकड़ते हैं, कैसे पर ये उनको इसकी परवरिश करते हैं और कैसे इवन इसको कंट्रोल करते हैं। तो बाकी बातें इससे हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? नज़ीर मोहम्मद। नज़ीर मोहम्मद, ये जो सांप आप लोग पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हो? ये तो सिंध में पकते हैं, गाँवों में खेती बाड़ी होती है चावलों की जी, जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ मच्छी होती है छोटी, तो वहाँ तो सांपों के नस्ल ज़्यादा ही होते हैं जी। तो हमको ऑर्डर मिलता है जैसे भाई जाओ सांप पकड़ के लाओ, तो जाते हैं शिकार के लिए। तो एक दिन भी लगता है, दो दिन भी लगते हैं हमको पकड़ने में, ढूँढने में, पर उसको देखते हैं तो पकड़ते हैं, कसम देते हैं उसको, बीन बजाते हैं जंगलों में, समझिए बीन बजा के उसको कंट्रोल फुल करके तो उसको पकड़ के लाते हैं हम लोग। तो बस कुछ दम पराई करके तो अपने साथ रखते हैं उसको। तो कसम तो अभी अस्तगफरा करनी चाहिए कि इंसान कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के भी वो मुकर जाता है। तो इसको जब आप लोग कसम देते हो तो फिर ये कोई मूवमेंट, कोई हरकत वगैरह करता है या नहीं करता है? लेकिन इंसान के चेहरे इंसान है, इंसान शैतान है, एक जानवर है, उसको उसको एक बार कसम दियो पालो तो काटता नहीं है ये, जब उसको छेड़ो नहीं तो ये नुकसान नहीं देता है। अच्छा, आपको किस चीज़ की कसम देते हो, ज़रा वजात से हमारे सुनने वालों को बताओ। तो ये गोगा चावान होता है, सांपों का सरदार होता था, ठीक है ना, वो हमारे उस्ताद के पास किताब होती है तो उसकी किताब की पढ़ाई से उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब कसम आप किस चीज़ की देते हो, अल्लाह की देते हो, किसी औलिया कराम की देते हो? पीरान पीर दस्तगीर की देते हैं। अच्छा, उसकी डोई देते हैं तो वह उसको दो महीने हम रखते हैं, तो भाई तेरे को दो महीने रखेंगे, दो महीने के बाद दो दिन तुझे पहले छोड़ेंगे, तो कोई नुकसान नहीं देगा हमको। अच्छा, अगर दो महीने आप लोग ने रखा, उसके बाद आप लोग ने अपने वादे पे, अपने कमिटमेंट पे अगर आप लोग पूरे नहीं उतरे, तो उसके बाद फिर इसका रिएक्शन सांप का क्या होता है? देखना, इंसान वायदे में पक्का नहीं रहता है, जानवर है वो अपने वायदे में कायम रहता है। जब हमको तारीख रखते हैं उसकी, भाई जिस तारीख लेके जा रहे हैं उस तारीख से दो दिन पहले छोड़ते हैं, अगर उसको नहीं छोड़ा तो वो काटेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो अब आप ज़रा बीन बजा के कोई पाकिस्तानी बेहतरीन धुन पे ज़रा सांप की ज़रा देखो क्या। अच्छा, एक बात मैं माजरत के साथ मैं भूल जाऊँगा। अच्छा, कुछ किताबों में और कुछ इंटरनेट पे मैंने देखा है कि सांप जो है इज़ ब्लाइंड, मतलब अंधा होता है, ये सही बात है? सांप अंधा नहीं होता है। अच्छा, सांप के कान नहीं होते हैं, वे सांप महसूस करता है तो आवाज़ बज रही है। अच्छा, तो वह बीन का शौकीन होता है, महसूस करता है, बीन पर मौज में आ जाते हैं, समझ गया, तो बीन की आवाज़ सुन लेता है। मतलब बहरा होता है, अंधा नहीं है, अब मतलब देख सकता है जी। आप बिस्मिल्लाह करें, ज़रा धुन बजें। ये है काला सांप, इंसान से वफादार। बिल्कुल, आई थिंक यू आर राइट। इंसान कुछ कुछ नहीं मानता है, ये जानवर है, उसको अपने कायदे में हृदय में रहता ही है। ठीक, जब उसको दो महीने की कसम दिए नुकसान नहीं करता है। मतलब अगर दो महीने से आप लोग ने अवर किया तो फिर ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, जरा बिस्मिल्लाह करें, कोई बेहतरीन धुन बजाएं, पाकिस्तानी ओल्ड सॉन्ग।
अभी कोई इंडियन धुन बजाओ, दिल के खूबसूरत धुन बजाओ जो सांप को भी पसंद आए और मेरे देखने वाले जो बच्चे खड़े हुए इनको भी ज़रा पसंद आए। नहीं नहीं धुनी हुई ना, कहाँ गाने तो धुनी हो गई ना। जी जी कोई मस्त धुन ना, मस्त मस्त धुन। अभी कुछ सिंधी धुन बजाओ हमारे सिंधी बहन भाइयों बलोचों के लिए, कुछ मस्त धुन सुनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस वेरी नाइस जोगी भाईजान, वेरी नाइस। अब ये शाम को ज़रा करो क्लोज, मज़ीद आपसे दो चार बातें हम करते हैं। थम इसके लिए बेटा को खूबसूरत बनाओ, शाम का मुंह इस तरफ करो। हाँ शाबाश, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके तो अब आप उसको करो क्लोज और आपसे दो चार बातें हो जाए, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नज़ीर भाई, अब आप ये बताएं जो लोग आते हैं आप लोग के पास किस्मत का हाल जानने के लिए, तो मतलब कैसे आप लोग बताते हो और कैसे आप लोगों को पता चलता है? जैसे मैंने देखे कि तीन एक वो होते हैं सफ़ेद ना, जिसको आप लोग डारा बोलते हो, तो उसमें आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इस बंदे के साथ ये मामला चल रहे हैं? देख ना, जैसे मुल्लों को पता चलता है जी लम के ज़रिए से, किताब होते हैं उसकी दम पराई होती हैं, क्यों उसकी लोगों की तालीम है, तो
जैसे हम अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं तो रोटी को पता करते हैं, माँ बाप का नाम क्या है अंग्रेजी में, हर चीज़ की तालीम होता है। वो किताब के ज़रिए से, नाम के ज़रिए से किताब खोलते हैं तो किताब के ज़रिए से पता चलता है मुकद्दर किसका नसीब कैसा है। अच्छा एक बात हमें और बताएं कि मतलब ये काम आप लोग का जदीद उसी काम है या बाद में इस फील्ड के अंदर आप लोग आए हो? ये तो हमारा खानदानी काम है, परदादा का काम है ये। ये तो सदियाँ गुजर गए, फ़कीर हुए ही आ रहे हैं, फिर लोग बदल गए हैं। हकीकत बोलते हैं तो वो नहीं मानते हैं। आज का दौर ऐसा है, सच बोलो बोलते झूठ बोलते हैं। सही बात। आज मोबाइल आ गया ना, मोबाइल के जरिए में सारा दिन चूर फूर लगा पड़ा हुआ है। अच्छा ये मोबाइल के वजह से जो इंटरनेट वगैरह आ गया तो इससे कोई आप लोगों को बेनिफिट मिला है, कोई फ़ायदा मिला है, मतलब इस काम के हवाले से, सांपों के हवाले से? सांप के हवाले कोई भी ऐसा बंदा हमको नहीं मिला है जो हम आगे गले, समझ गया जी। जो भी आता है अपना फ़ायदा लेता है, अपना फ़ायदा लेके चला जाता है, पर पूछते भी नहीं। तो आपकी बात भी समझे, जैसे अब दौर काफ़ी एडवांस हो गया है, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है, तो नेट में भी एक एक चीज़ की वजह से बता दें तो इससे आप लोग ने कोई फ़ायदा लिया इस काम के लिए? फ़ायदे इसके हमने नहीं लिए, नहीं लिए फ़ायदे। हम बस आते हैं, सांप देखा थी बच्चों को, समझ गए, बच्चों को देखा के गलियों में घूमते हैं सारे दिन, कोई नेक बंदा हमको मिल भी जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी उम्मीद पूरी करते हैं, पूरी कर देते हैं, पर बाकी हैं तो सब अपने काम में काम है, समझिए। तो ये सांप की मतलब औसत उम्र कितनी होती है, ज़रा हमारे सुनने वालों को, हमारे जो बहन भाई हैं जो सुन रहे हैं उनको ज़रा वजाहत से, ख़ास तौर पे ये जो ब्लैक कोबरा है जो अभी आपके पास है, तो औसत उम्र इसकी कितनी होती है? उम्र इसकी तो 100 साल से भी बढ़ती है। अच्छा 100 साल से भी 2 महीने ऊपर होती है इसकी उम्र। अगर उसको हाथ से तुम नहीं मारो तो ये 100 साल से ऊपर ही होती है उम्र इसकी। जब उसको तुम छेड़ोगे नहीं, जब ये चक भी नहीं मारेगा तेरे को। अच्छा एक बात आप लोग से और, क्योंकि मैंने जितने भी जोगी देखे हैं कि उनके पास ये ब्लैक कोबरा ही होता है, तो सांपों की तो और किस्में भी बहुत होती हैं, तो वो आप लोग के पास नहीं होता, तो इसका कोई मतलब ख़ास वजह होती है, कोई रीज़न इसका होता है? खास बात ये था ना, और सांप कस्म को नहीं मानते हैं। अच्छा। और फन भी नहीं उठाते हैं, और सांप पर भरोसा भी नहीं होता है, पर ये काला है जो कस्म भी मानता है, फन उठाता है, ख़तरा इसमें नहीं होता है। तो मतलब ये कि ये अगर आपने अल्लाह का वास्ता दे दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे दिया या गौस पाक का, तो फिर ये कोई मतलब ऐसी हरकत नहीं करेगा, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। अच्छा ये एक वजह से, एक बात और मुझे बता दें कि इसकी मतलब खुराक क्या है, जो हमारे सुनने वाले हमारे बहन भाई हैं उनको तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो क्या इसको आप लोग खिलाते हो और दिन में क्या देते हो, रात में क्या देते हो, इसकी भी तो कोई खुराक होगी? खुराक होती है, इसको दूध पिलाते हैं और मच्छी भी खिलाना पड़ते हैं, अंडे कच्चे तोड़ के जूस बना के पिलाते हैं उसको, और गोश्त खाता है ये, हमारे साथ गोश्त मच्छी अंडे ये खाते हैं, तो और उसको दही भी पिलाना पड़ता है तो ठंडा रहे भाई ये, समझ गया। और अलामत जंगल में तो ये मेंढक खाता है, समझ गया, मेंढक का बहुत शौकीन होता है ये, और हमारे पास होता है तो अंडे मच्छी गोश्त खिलाते हैं उसको, तो ये सुकून में रहता है ये। चलो बहुत शुक्रिया, काफ़ी वजाहत से आपसे बातें हो गई। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीडियो, और चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से महफूज रखे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।